दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपको बता दें कि एक्शन के सुपरस्टार सनी देओल के फिल्म गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर एक से एक बड़ी रिकॉर्ड तोड़ा। वहीं आज हम बात करेंगे गदर 2 फिल्म के आज के और अभी तक के टोटल इंडियन और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, और आपको बताएंगे गदर 2 फिल्म ने शाहरुख खान के फिल्म पठान से लेकर जवान फिल्म के कलेक्शन के पीछे छोड़ पाई है या नहीं, और गदर 2 पठान और जवान में से कौन से फिल्म 2023 की बनी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सबसे बड़ी हिंदी फिल्म। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप भी शाहरुख खान सनी देओल के बहुत बड़े फैन हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि गदर 2 फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए लगभग 6 हफ्ते से भी ज़्यादा हो चुके हैं और यह फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही ज़्यादा धमाल मचाया हुआ है। और वहीं फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर थोड़ा थोड़ा कलेक्शन कर आगे बढ़ती जा रही है। और दोस्तों फिल्म के बजट की बात करें तो 60 करोड़ की बजट में यह फिल्म बनाया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि सनी देओल और उनके फैंस के बदौलत यह फिल्म गदर 2 पहले दिन 40 करोड़ 10 लाख रुपये में से भी ज़्यादा की कमाई किया था। और दोस्तों आपको बता दें कि गदर 2 फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज़्यादा कमाई का इंतजार सनी देओल के फैंस का था। तो दोस्तों आपको बता दें कि सनी देओल के फैंस का मानना था कि गदर 2 फिल्म इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा कमाई कर एक बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक फिल्म बन जाए। और दोस्तों आपको बता दें कि हुआ भी कुछ ऐसा ही। दोस्तों आपको बता दें कि गदर 2 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 2023 का सबसे बड़ा ऐतिहासिक फिल्म बन चुका है। और दोस्तों आपको बता दें कि यह फिल्म गदर 2 ने अपने नाम एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना लिया है। तो दोस्तों आपको सनी देओल की फिल्म गदर 2 के बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें।